ब्लॉग जिंदगी में एक बार फिर खुश आमदी। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ आकर बैठ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बहुत ठीक ठाक। कैसे आप? ठीक ठाक ठीक ठाक। आप बताइए। मैं फर्स्ट क्लास। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आने लगा होगा। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। बदला लेना था ना परसों का। इन्होंने दिल में बात रखी हुई है। नहीं नहीं, आज क्यों, मैं आ रहा था, जल्दी जल्दी पहुंच रहा था। तो यासिन, मैं कह रही क्यों लेट होने लगे आज? क्या लेट, क्या कह रहे हैं? मैं आप 12:30 बजे से यहाँ बैठा होता हूँ। पहले ही प्रेशराइज कर देना जरूरी होता है। खैर, महवेश जी कराची से कल उन्होंने हमें लास्ट कॉल की थी। बिल्कुल। एक सवाल शेफ महबूब के लिए पूछा था, वो मुझे सही से याद नहीं था, मगर फिर भी शेफ महबूब ने उसका डाइट से रिलेटेड जवाब दे दिया। आपसे सवाल था जी, टमी पे फैट है, टमी पे फैट है और लोअर बैक पे भी फैट है, तो थोड़ा उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ बता दीजिए। बिल्कुल। सो मैं बड़ी सिंपल सी बता रहा हूँ कि लोअर फैट के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज सिंपल सी, कि अगर आपका वजन ज्यादा भी हो गया है और थोड़ी उम्र ज्यादा भी है और आप ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बहुत हैवी, तो आप बड़ी प्लेन सी एक एक्सरसाइज करेंगी कि जिससे आपका लोअर बैक जो है वो बड़ी जल्दी लेवल में आएगा। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना। एक कुर्सी जो बड़ी सॉलिड किस्म की हो आप लीजिएगा, और उसके साथ ही आप देखिए अपनी टांग पहले राइट और उसको बिल्कुल जैसे साइकिल चलाते स्विंग करती चली जाएं आप, ठीक है? अच्छी तरह 10 मिनट ये कीजिएगा एवरी डे। तो आप राइट टांग पहले 5 मिनट के लिए स्विंग कीजिएगा, फिर 5 मिनट के लिए लेफ्ट वाली टांग कीजिएगा, तो आप देखिए कितनी जल्दी आपका लोअर फैट कम होना शुरू होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बड़ी अच्छी एक वो बता रहा हूँ, जो है एक आप जो ड्रिंक जो कि हम अर्क के नाम से कहते हैं, आप बना के रख लें। अगर आप रोजाना नहीं पी सकते तो एक कप आप रोजाना पीते चले जाएं। क्या करना, आपको 1 लीटर पानी लेना है, ठीक है? उसके अंदर 2 चमचे आप या तो गंदे की शक्कर जो होती है, ब्राउन शक्कर जो बहुत जल्दी आपका फैट डिजॉल्व करती है, 2 चमचे ब्राउन शुगर 1 लीटर पानी में, 2 चमचे क्रश सौंफ, थोड़ी सी जावित्री, 1 पिंच नौशादर जो गोश्त गलाने काम आता है, दालचीनी, बड़ी हर, छोटी हर, बड़ी इलायची और पुदीना, ये मिक्स करके बॉईल करके रखें। आराम से एक बार फिर बता देता हूँ। मैं भी कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अच्छा, बड़ा सिंपल था। देखिए 1 लीटर पानी, तो उसके अंदर आप डालेंगे 2 टेबलस्पून गुड़, 2 टेबलस्पून सौंफ, थोड़ी सी जावित्री, 1 चुटकी नौशादर, बड़ी इलायची, छोटी हर और पुदीना, ये मुझे खुद भी याद हो गया, ठीक है? और मिक्स करके इसको अच्छी तरह से उबाल के रख ले और रोजाना 1 ग्लास आप पीती चली जाए। अच्छा, एक मैं और एक हल्का सा ऑयल और बता दूं, बड़ा सिंपल सा, ये मैजिकल मसाज होता है जिससे आपका जहां पे फैट होता है ना, देखिए जैसे अगर पपी फैट होता है, बच्चे होते हैं छोटे एकदम से मोटे हो जाते हैं कि बर्गर्स खा रहे हैं पिज्जा खा रहे हैं, तो अगर ये मसाज करते हैं आप ऑयल का, ये तो बहुत ही सिंपल सा, आप किसी बहन से या आपके यहाँ जो खातून काम करती हैं उनसे ये आप मसाज कराएंगी, क्या क्या चीजें इसके अंदर, और पूरी बॉडी पे आप ट्वाइस वीक मसाज करेंगी तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, एक जगह जम इकट्ठा नहीं होगा, फैल जाएगा पूरी बॉडी में। बहुत सिंपल, आपको 2 कप लेने हैं सनफ्लावर ऑयल, ठीक है? उसके अंदर ऐड कीजिएगा थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल या गुले यास्मीन का तेल 8 से 10 कतरे, ठीक है? उसके अंदर ऐड कीजिएगा थोड़े से गुलाब की पत्तियां फ्रेश, रोज वाटर और कैमोमाइल टी, 2 कप टी बनाएंगे आप, ठीक है? अच्छा। टी बनाएंगे, वो ठंडी कर दीजिएगा, खोलती भी ना हो, बिल्कुल ठंडी करने के बाद क्या बातें बतानी पड़ती है। मतलब खोलती भी चाय तो गर्म होती है, आपने चाय बताई थी छाले निकल आए, उसका भी फिर इलाज, अगर उसका इलाज फिर तो हम ही करेंगे ना, फिर तो फंसा लिया पेशेंट। तो वो क्या करना है, आपको 2 कप आप कैमोमाइल टी, ठीक है, थोड़ा सा गुलाब की पत्तियां 1 कप, थोड़ा सा गुले यास्मीन का तेल या लेवेंडर ऑयल और 2 कप सनफ्लावर ऑयल, ये मिला के मिक्सचर बनाएं, बड़ा अच्छा सा पूरी बॉडी पे आप मसाज, जैसे ये है ना लोअर बैक पे, ये देखिए खासतौर पे लोअर बैक जो खवातीन का हो जाता है, पीठ पे जो चर्बी जमा होती है उसके लिए बड़ा ही इफेक्टिव है, ये करें आप, देखिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट, खासतौर पे हिप थाइज और जो एक हम्प होता है इससे आप करें, आप देखिए पूरी बॉडी में आपका फैट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बड़ी अच्छी हो जाएगी। सही। और बात, मैं फेसबुक के ऊपर काफी लोग हैं, सॉरी मेरे पास अपनी नेटबुक नहीं है अभी जी। मैं नहीं अभी चेक कर सकती, वो वहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ पे पड़ी हुई है। रिमोट कंट्रोल के, रिमोट कंट्रोल से। हाँ, मैं एक सवाल है जो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत कॉमन है, काफी लोगों ने पूछा है, मर्द औरतें दोनों, स्किन वाइटनिंग बहुत बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता दें रंग गोरा करने के लिए क्या किया जाए। अच्छा, एक तो बड़ा अच्छा ड्रिंक बता रहा हूँ आपको, बड़ा सिंपल सा एक ड्रिंक बता रहा हूँ जो हर कोई पीते रहे, आपके जोड़ों का दर्द, आपका यूरिन का इन्फेक्शन, आपका रंग खिलना सारा शुरू हो जाएगा, ठीक है? एक प्याली आप लीजिएगा सेब का सिरका, जिसको एप्पल साइडर विनेगर भी कहते हैं, ठीक है? एक प्याली इक्वल क्वांटिटी में आप लीजिएगा देसी शहद, खालिस शहद, ठीक है? उसके अंदर आप 8 से 10 जवे आप लहसुन के,
बिल्कुल क्रश कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर एक चम्मच साबूदाना ऐड कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी इलायची इसमें ऐड कीजिएगा और ये तमाम चीजें आप इकट्ठी पकाएं, ठीक है। और सुबह दोपहर रात एक एक टेबल स्पून आप पी लीजिए, आपके ज्वाइंट्स, आपका रंग, आपकी बॉडी, आपके बाल सारे खिलना शुरू हो जाएंगे। कोई इन्फेक्शन साइनस जो वक्त से पहले बाल सफेद होते हैं, क्योंकि साइनस का इश्यू होता है वो भी कंट्रोल होगा, मगर शुगर वाले लोग जो है वो बिल्कुल भी सब चीजें डालेंगे सिवाय शहद के, ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर से पूछेंगे जरूर। तो ये आप करना शुरू कर दीजिए। रंग के लिए बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, आप पूरी बॉडी के लिए ये वंस और ट्वाइस वीक कर सकते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए आपको क्या करना है, दो टेबलस्पून आप सैंडलवुड पाउडर यानी संदल की लकड़ी का बुरादा, ठीक है, उसके अंदर आप दो चमचे ग्लिसरीन डालेंगे, दो चमचे आप या तो बलाई वाला दूध डालेंगे या दही डालेंगे खूब बलाई वाला, ठीक है। इसके साथ ऐड कीजिएगा चुटकी हल्दी और बहुत सारी लैक्टिक एसिड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी क्रीम, एएचए क्रीम, ये मिला के पूरी बॉडी पे आप मसाज कीजिएगा। और जब भी आप नहाने लगे तो बेदिंग टब या बाल्टी में दो चमचे, हफ्ते में एक दिन तो कर ही सकते हैं, दो चमचे आप भर के ना पाउडर मिल्क डाल दें, ठीक है, उससे आप नहाएं। चलें ग्रेट, फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे ज़ौक जिंदगी मिलेंगे और आपकी जो कॉल्स हैं उनका जवाब देंगे। बैक टू ज़ौक जिंदगी, और ब्रेक के दौरान मैं डॉक्टर खुर्रम से डिस्कस कर रही थी डार्क सर्कल्स के बारे में, तो थोड़ा सा हम डार्क सर्कल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत आम मसला है और काफी ज्यादा हो जाता है, क्यों होता है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? बहुत सिंपल समय, आप देखिए कि होता यह कि अगर या तो आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या आपकी ग़िज़ा बैलेंस नहीं है, दूध नहीं पीते, दूध बहुत एसेंशियल है, दूध दही चीज ये चीजें खानी चाहिए। अब ये हम आप कहते हैं कि जी दूध पिए या दही, तो लोग समझते पता नहीं कि पांच किलो दूध को कहा है, तीन प्याले मैंने इनको दही के कहे, नहीं थोड़ा सा दूध ये चीजें। अच्छा तीसरी चीज ये कि आपका अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज होता है, तो आप क्रीम ऑफ मैग्नीशिया वो तो इस्तेमाल करें। उसके अलावा बड़ा सिंपल सा है कि लड़कियों का जब तमाम सिस्टम अप एंड डाउन होते हैं तो उससे भी उनके सर्कल्स डेवलप होते हैं, तो एक कप दूध के साथ अगर डेली आप ये आदत बना लें कि एक से दो इंजीरें, ठीक है, और एक से दो खजूरें खाएं, तो एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जी इंजीरें गर्म होती हैं जबकि गर्म नहीं होती, वो आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है और आपके अंदर बड़ा खून बनता है। बिल्कुल तासीर पांच सौ साल से आया है कि वो तासीर गर्म है। अच्छा। आप कुछ भी कर लें वो तासीर नहीं जाएगी, उसको हजार साल और लगेंगे, हम तासीर लफ्ज ही खत्म कर देते हैं, तासीर साहब आ जाएंगे। अच्छा तो वो तासीर कोई चीज नहीं होती, आप देखिए मतलब कि रोजाना दूध के साथ अगर आप एक दो इंजीरे और थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ी सी खजूरें मिला के पिए तो एक तो सर्कल गायब होते हैं। अच्छा इसके लिए बड़ी अच्छी सी क्रीम है, आप बड़ा घर में अगर आपको महंगी नहीं पड़ती तो एक से दो खीरे का जूस लीजिएगा, उसके अंदर रोज वाटर मिलाइएगा हम वजन और इक्वल क्वांटिटी में लेमन जूस और शुगर केन एक्सट्रैक्ट, चार चीजें, ठीक है, आप शुगर केन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, यानी गन्ने का जूस, लेमन जूस, खीरे का जूस और इसके अंदर ऐड कीजिएगा थोड़ा सा रोज वाटर मिला के, इनके साथ कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग विटामिन ई की या तो कैप्सूल डाल दें 8 से 10 और मिक्सचर बना के रख दें फ्रिज में, और इसको कॉटन वूल से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सीधी घड़ी और उल्टी घड़ी की तरह ट्वाइस डे मसाज करें और रात भर लगा रहने दें, आप देखिए बिल्कुल सर्कल्स आपके गायब होने चाहिए। सही, और हमारे पास इतने कॉलर्स आए और जो ही हमने, अच्छा कॉलर आ गए, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज अपना नाम बता दीजिए। मैं लाहौर से हुमैरा बोल रही हूँ। हुमैरा लाहौर से, जी अपना सवाल पूछिए हुमैरा। जी मेरा प्रॉब्लम ये कि एज मेरी 16 इयर्स है, ठीक है, और मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। अच्छा अभी इसका जवाब हमने दिया है और कुछ जी, इसका जवाब अभी डॉक्टर साहब ने दिया है, अभी दिया है, अभी दिया है डार्क सर्कल्स के ऊपर जी, और लेकिन मैंने नहीं सुना, प्लीज आप रिपीट कर दें। अभी रिपीट कर देते हैं। ओके, और कोई सवाल आपका? हेलो, थैंक यू। मेरा पता है आज ये तीसरी कॉल जो है हमारी ड्रॉप हुई है। अच्छा ड्रॉप हुई है, ड्रॉप हुई है, कब से होल्ड करें, बस जू ही सलाम करने लगती थी वो कॉल ड्रॉप हो जाती है। हुमैरा ने कॉल अगर कर ली उनकी लगती बड़ी बात है, वो बेचारे कितने वेट कर करके ड्रॉप कर गए। सवाल वही पूछे जिसका जवाब अभी नहीं दिया, डार्क सर्कल्स एक बार फिर बता दें। बहुत सिंपल था, देखिए अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो सबसे बड़ी बात हुई, एक सिरप पीना शुरू कर दे, क्रीम ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, क्रीम ऑफ मैग्नीशिया एक सिरप एक टेबल स्पून आप रोजाना रात में पिए। दूसरा अगर आपके डार्क सर्कल्स फिर भी है तो आप दूध का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में बढ़ाएं, रात को प्रॉपर नींद लें, एक कैप्सूल खाइएगा ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इसके अंदर लाइकोपीन LYCOPENE, वैसे टमाटोज में और जितने गहरे रंग की चेरीज स्ट्रॉबेरीज होती है उनके अंदर होता है, ठीक है। और एक बड़ी सिंपल सी चीज है, क्या करना है आपको, अर्क गुलाब, रोज वाटर
उसके अंदर खीरे का जूस, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में थोड़ा सा शुगर केन एक्सट्रैक्ट, और ऐड कीजिएगा इसके अंदर थोड़ा सा आप अगर आपको मिल जाए अवेलेबल विटामिन ई के कैप्सूल, मिला के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप मालिश करें खूब। क्रीम ऑफ मैग्नीशियम कंटिन्यू कीजिएगा, लाइकोपीन का सिरप पीजिएगा या टैबलेट खाइएगा, और प्रॉपर नींद दें, आप देखें कितनी जल्दी। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि हम अक्सर अपनी जो फिंगर से अप्लाई कर रहे होते हैं आंखों के नीचे जो सेंसिटिव स्किन होती है हमारी सारी, तो हमारे ये वाली जो फिंगर होती है ये वाली, हाँ, इसमें सबसे कम प्रेशर होता है, तो हमें चाहिए कि ये वाली जो फिंगर है इससे हम अप्लाई करें। बिल्कुल, बहुत कम प्रेशर आपकी आंख के ऊपर अप्लाई होगा, और ये जो प्रीमेच्योर रिंकल्स आते हैं तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉलर है लाइन पे, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उस्मान लाहौर से जी। हाँ, आपने पहले आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। आओ, मैंने वो डॉक्टर खुरम से बात करनी। जी जी, सलाम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम खुरम साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, आप कैसे, खैरियत से हैं? ठीक हूँ। मैंने आपका वो जो आपने कहा था ना उसका फॉर्मूले का, कौन सा वाला उस्मान? तो आपने कहा नहीं था कि वो स्टैंड ऑफ का? जी जी उस्मान, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने किया? हाँ जी, वो मैंने इस्तेमाल किया, उसको मैंने बालों पे लगाया है जी। तो ना अब जो पहले काफी थी, अब थोड़ी सी उसमें है, कम हो गई। अच्छा उस्मान, एक काम आप और करो कि एक काम क्या करो, आप शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हो? मैं अपना हेडेक और। नहीं वो तो ठीक है, मगर आप एक पाइन टार लाहौर में आपको मिलेगा फजलदीन से ले लेना, आप पाइन टार, उनको कहना पाइन टार शैम्पू दे दें उसे, पाइन टार, पाइन टार, ठीक है, पी आई एन ई टी आर। अच्छा, और ग्राइसोफुलविन 14 दिन आप और खाएं उस्मान, ग्राइसो जी आर आई एस ओ एफ यू एफ यू एल वी आई एन, रोजाना एक टैबलेट 500 एमजी की नाश्ते के बाद ही, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, एंटी फंगल है, बड़ा सूदेंगे उसका। और उस्मान ये 14 दिन और करना है आपको, ठीक है? और मैं एक, जी मैं एक खा के ना आपको फिर मैं ईमेल भेज देता हूँ। बिल्कुल ईमेल भेजो आप, मैं वेट कर, आप अगर मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दें मेरा, अभी अभी आप एमसीआर से ना शायद वही से अभी ले लो, अभी उस्मान को मैं उस्मान, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। और साथ में हमारे